पेट्रोल डीजल में लगी आग के बाद जिले में सब्जियों के पैदावार में आई कमी का सीधा असर इस बार नवरात्रि के पर्व पर देखने को मिल रहा है। अपने अवसान की ओर बढ़ते नवरात्रि के अंतिम दिनों में महाअष्टमी को जगह जगह पर समिति और श्रद्धालुओं की तरफ से भोग भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इन भंडारों में सब्जियां गायब है। इसकी सबसे बड़ी वजह सब्जियों के दाम में लगी आग को बताया जा रहा है। माता के भंडारे से सब्जियां गायब, नवरात्रि पर महंगाई का असर। सब्जियों के मौसम में महंगाई की मार, शहर शहर सब्जियों का कहर। महंगी सब्जी का हाहाकार, कहां है सरकार? INN 24 के रिपोर्टर अनूप पासवान की रिपोर्ट के मुताबिक भंडारों में श्रद्धालुओं को नाम मात्र के लिए सब्जियां परोसी जा रही हैं। उन्होंने खुद करीब एक दर्जन मंदिर और दुर्गा समितियों का जायजा लिया, जहां भोग भंडारे का दौर जारी है। उन्होंने पाया कि प्रसाद में सब्जियां या तो कम है या फिर महज एक बार ही परोसा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे आम सब्जी से लेकर खास सब्जियों के दामों में भारी तेजी देखने को मिली है। क्यों बता रहे हैं? अभी एक ही गाड़ी आ रहा है, गाड़ी लगता है तो सस्ता भी हो जाता है। अभी तो गोभी का समय चल रहा है, उससे पहले गोभी 30 से 40 रुपए चल रही थी, अभी 60 रुपए। क्या कारण क्या है? अभी तो गाड़ी नहीं लगा है और कुछ नहीं, तो बाहर से माल नहीं आ रहा। क्या लगता है आगे, उम्मीद क्या है कि आगे बढ़ सकता है? सेमी क्या भाव चल रहा है? 30 रुपए। किलो में कैसे है? किलो में 100 रुपए। ये बताएंगे लोग कितना परहेज करते हैं इतनी महंगी सब्जियाँ? बहुत ज्यादा महंगा करके चले जाते हैं। क्या कारण है इतना महंगा होने का? ज्यादा खपत हो रहा है इस सब्जी का भी, महंगा हो लोग बता रहे थे। हाँ, भंडारों का अभी चल रहा है तो क्या लोग लेना पसंद करते हैं सेमी की, कुछ और सब्जी ले लेते हैं, कुछ और सस्ता आइटम देखते हैं ग्राहक। बात करें आलू की तो वह फुटकर में 25 से 30 रुपए किलो बिक रही है। इसे दूसरे सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। प्याज की कीमत 20 से 25 रुपए किलो जा पहुंची है। सेम 100 रुपए से 120 रुपए किलो। गोभी 60 से 70 रुपए किलो। परवल 60 से 80 रुपए किलो। तो टमाटर भी 20 से 25 रुपए किलो बिक रहे हैं। महंगाई कैसी चल रही है बाजार में? ठीक है, लेनी है खाना है तो कैसे भी हो लेनी भाई। पहले की अपेक्षा कितनी महंगी लग रही है? क्या मैं 15 दिन के बाद आई हूँ, पता लगेगा। मतलब कारण ये भी है, क्या है कि ये सब्जी मंडी जो है बाहर से ही है, जो बाहर सब्जी कम आती है इसलिए जो थोड़ा बढ़ जाता है। अभी जो मान लो वर्तमान में जैसे सेमी है, सेमी पहले आती थी 50 बोरा 60 बोरा, कुछ समय रेट डाउन था, अभी आ रही है 10 बोरा। सामने जब वहाँ उसका मतलब आना कम हो जाता है रेट, इसलिए रेट कम हो जाता है, बिक्री में प्रभाव पड़ती है। महंगा रहता तो सामान भाई कम ले जाता है आदमी, भाई जहाँ 20 किलो ले जाने वाला वहाँ 10 किलो ले जाएगा, 10 किलो ले जाने वाला 5 किलो ले जाएगा, क्योंकि भंडारा में तो चल नहीं है, थोड़ा बहुत आदमी एडजस्ट कर रहा है लेकिन दिक्कत तो जा रही रेट के हिसाब से। गोभी का सीजन है अभी और गोभी का रेट ही इतना अधिक है, क्या कारण है? गोभी के अपने छत्तीसगढ़ में तो अभी पैदावार हो नहीं है, ये आ रहे महाराष्ट्र से, इसलिए सामान से ज़्यादा लगेज है, पेट्रोल बढ़ा हुआ है, डीजल बढ़ा हुआ है, गाड़ियों के रेट बढ़ी हुई है, तो कोई भी व्यापारी है किसान है वो रेट बढ़ा के ही देगा सामान। आपको बता दें कि महंगाई की मार सिर्फ सब्जियों पर ही नहीं बल्कि दूसरे राशन सामानों पर भी देखने को मिल रहा है। त्योहारी सीजन होने की वजह से इसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। अब देखना होगा कि क्या नवरात्रि के बाद आम लोगों को महंगाई से राहत मिल पाती है या फिर यह महंगाई दिवाली में भी आम लोगों के लिए आफत बनकर सामने आएगा। INN 24 के लिए कोरबा से अनूप पासवान की